बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SH क्रोशेट एंड वेलकम बैक टू बिगिनर सीरीज लेसन नंबर 5। आज के लेसन में हम आपको बताएंगे कि आप ट्रिपल क्रोशे कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको हम नॉट लगाना और चेन बनाना बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट चेन बना चुके हैं। यहाँ पे देखें, 10 चेन हमने ले ली हैं। अब आपने 4 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। इधर से इसको पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 चेन आपने ले ली है। उसके बाद यान ओवर। अब यान ओवर जो आपने करना है, डबल क्रोशे में और ट्रिपल हाफ डबल क्रोशे में हमने देखा था कि हमने 1 टाइम यान ओवर किया, लेकिन ट्रिपल क्रोशे में हम 2 टाइम करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ से 4th चेन में डाल देंगे। अगर आपको काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप पीछे से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 14 चेन ली थी, तो आप वहाँ से करेंगे तो ये इधर से कौन से नंबर पर आ जाएगी वो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ से भी देखें 4 चेन स्किप करके, ये मतलब वहाँ से हम देखेंगे तो ये 10वीं चेन है। इंसर्ट इनटू द चेन लूप, ओके, देन यान ओवर, पुल थ्रो। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने डबल क्रोशे किया था और हाफ डबल में यहाँ हमारे पास 3 चेन थी, अब हमारे पास 4th चेन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यान ओवर, मेक इट 2 3, मेक इट 2 देन मेक इट 1, ठीक है। पहले हमने यहाँ डबल क्रोशे में देखा था कि हमने 3 का 2 2 का 1 किया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यान ओवर ट्वाइस, इंसर्ट इनटू द चेन लूप, देन मेक इट 3, मेक इट 2, मेक इट 1, ठीक है जी। क्या करना है आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो करना है वो बहुत आसान है। इसके लिए पहले आपको क्रोशे चलाना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको हमारे, ताकि आप चेन बनाना और नॉट लगाना और सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे तक पहुंच जाएं, तब आप ट्रिपल क्रोशे भी कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने यान ओवर लाइक दिस ट्वाइस, ठीक है। पहले एक सिंपल था ऐसे, पहले इस तरह से था, अब आपने इस तरह 2 बार करना है। उसके बाद इंसर्ट इनटू द चेन अपर लूप, यान ओवर, पुल इट, देन मेक इट थ्राइस, 3 बनाएं, मेक इट ट्वाइस, 2 करें, एंड मेक इट 1 1 करें। इसी तरह आप अपनी रो को कंप्लीट करें। अच्छा जी, ये देखिए हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। हमने 4 चेन के साथ किया था और जो किया था मेथड आपको बता दिया है। इसका एक और मेथड भी है जो मुझे बहुत आसान लगता है और जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, इसके नस्बत वो थोड़ा इजी है और डबल क्रोशे के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है, तो मैं आपको वो दूसरा मेथड भी बताती हूँ ताकि आपको जो आसान लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। आप कंपैरिजन करके देखिएगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। चेन 4, 1 2 3 4, चेन 4 करने के बाद टर्न द वर्क। अच्छा देखिए, अब क्या करना है, पहले हमने आपको कहा था कि 2 बार आपने टर्न करना, ठीक है, ठीक है जी। देखिए चेन 4 कर ली है, उसके बाद आपको कहा था, लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको सिंगल जैसे हम डबल क्रोशे में करते हैं उस तरह आप करें, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट इनटू द चेन, ठीक है, जैसे हम डबल क्रोशे करते हैं सेम वैसे ही करने के बाद। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी चेन आ गई है, 1 2 3। अब देखिए इस तरह ट्रिपल क्रोशे किस तरह करना है। आपने क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, 3 का 2 2 का 1 किया था, अब यहाँ ऐसे नहीं करना आपने, अब आपने थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले हमने लेना है यान ओवर, उसके बाद आपने चेन 1 लेनी है, ठीक है जी। एक चेन ले ली, अब आपके पास कितनी चेन आ गई है, 1 2 3, फिर से 3 आ गए। अब आपने 2 लेनी है और फिर से 2 करना है,
ठीक है, ये देखें दोबारा से देखें, यान ओवर इंसर्ट इन टू द चेन, यान ओवर पुल इट एंड देन पुल थ्रो वन, पुल थ्रो टू एंड पुल थ्रो टू अगेन। अब देखें थोड़ा सा रिवर्स हो गया, पहले हम तीन दो एक कर रहे थे, अब हम एक दो दो कर रहे हैं, ये देखें। और मैं आपको एक उस तरह से भी करके दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे पहले हम ये कर लेते हैं। अब मैं आपको जो पहला मेथड था उसके तरह बताती हूँ, देखिए वन टू ट्राइस कर लिया, इंसर्ट इनटू द चेन लूप, यान ओवर पुल थ्रो, अब मेक इट थ्री, मेक इट टू एंड देन मेक इट वन। ये देखें कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों अलग अलग मेथड से बने हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं दोबारा से, ये देखें अब ये इसका हम बनाते हैं दूसरे मेथड से, वन टू एंड टू, और ये यान आपको देखिएगा कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप पैटर्न इज लूज बिकॉज हम बिगिनर को सिखा रहे हैं तो इजीली आपको समझ आ सके, ठीक है जी, इसलिए हमने चेन को थोड़ा सा लूज लिया है ताकि आप लोग बआसानी समझ सकें। टू टू एंड टू, अब ये देखें जी, ये देखें जी, फोकस करके देखें क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये अलग तरीके से हुआ है और ये अलग तरीके से हुआ है। आपको इनमें से जोन सा मेथड, जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों से का पर्पज़ एक ही है कि उससे हम ट्रिपल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे कर सकते हैं। ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये वाला मेथड भी अच्छा है। इस वाले में आपको जो है फोर चेन लेनी है और दो बार आपने वूल को टर्न करना है, जबकि इस वाले में डबल क्रोशे की तरह आपने इसको वर्क करना है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।